हेलो गाइस, वेलकम टू योर बंजारा बड़ी। मैं आपका दोस्त आलोक शुक्ला तमुल। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड हैं वो भी हमसे पूछते हैं कि आप लखनऊ में रह के कैसे थिएटर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बम्बई की तरफ भागते हैं, दिल्ली जाते हैं, और हम अभी आज तक बम्बई नहीं गए, तो यहाँ रह के लखनऊ में ही हम कैसे थिएटर करते हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो तैयार किया है, ये इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लखनऊ में रहकर थिएटर कर सकते हैं, और सारी जानकारी इसमें एक्टर रिलेटेड मिल जाएगी जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर सिंह है और हमारा चैनल है योर बंजारा बड़ी। और कुछ मैसेज हमारे चैनल पर आए हुए थे कि सर थोड़ा सा थिएटर्स के बारे में बताइए, जो थिएटर्स यहाँ पर लखनऊ में हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये हम लोगों ने सोचा कि ज़रा इसके बारे में जानकारी आप लोगों तक इस अपने चैनल के माध्यम से पहुँचा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जो इंटरेस्टेड हैं इसमें आने के लिए, जो आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि थिएटर कहाँ, कैसे करें, क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ रहें, ये कुछ मालूम नहीं है। जो नए एक्टर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप को कुछ आइडिया, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। आप थिएटर में आते हो, आपसे पैसे भी लिए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इतना पैसा दो, इस ग्रुप में इतना पैसा दो, फिर आपको ज्वाइन करेंगे, फिर आपसे प्ले करवाएंगे। तो मैं वही सब आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा SNA के बारे में। SNA का फुल नेम है संगीत नाट्य अकादमी, जो आपके लखनऊ में है। ये 1090 जो चौराहा है लखनऊ का, बहुत ही माना हुआ चौराहा है, यहाँ पे आपका जो है ये संगीत नाट्य अकेडमी है। और इस अकेडमी में आपको मैं बता दूं कि 3 या 4 रूम हैं जो जो एकदम पर्सनल सिर्फ थिएटर के लिए ही होते हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थिएटर होता है। मतलब जो नए नए लड़के आते हैं वो अपना थिएटर वहाँ पर रिहर्सल करते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऑडिटोरियम होते हैं, उनके भी मैं आपको नाम बताऊंगा, वहाँ पर जाकर वो लोग अपना प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया संगीत नाट्य अकेडमी, यहाँ पे आप आओगे, आप देख रहे होंगे, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है संगीत नाट्य अकेडमी। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लड़के पहले से ही मिल जाएंगे वहाँ पे, जो थिएटर के लिए आए हुए हैं, जो टाइमिंग सभी अलग अलग होती है, वहाँ पे बहुत से लड़के आपको मिलेंगे, आप उनसे मिलिए जुलिए। और हो सकता है कि पहले दिन आप आए वहाँ पर आपको ना मिले, या कोई टीचर आपको ज्वाइन ना करे, या आपको कोई ग्रुप ना मिले, क्योंकि हैं आप नए, आप बाहर शहरों से आए हुए हैं, कोई बनारस से आता है, कोई कानपुर से आता है, कोई छोटे छोटे कस्बों से आता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो लड़के हैं या मेधावी नौजवान मैं बोल सकता हूँ, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, वो हर क्षेत्र से आते हैं, तो कोई परिचय तो होता नहीं, अनजान होते एकदम एकदम, ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र में एक बूंद होती डाल दो खो जाती, बस उसी प्रकार से लोग होते हैं। तो हो सकता है कि आपको पहले दिन कोई ग्रुप ना मिले और कोई ऐसा परिचय ना बने, तो आप ये मत सोचो कि नहीं अब यहाँ पे हम दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आप 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, और हर टाइमिंग में आओ, कभी 2 बजे आओ, कभी आओ 4 बजे आओ, कभी 6 बजे आओ, 6 से 9 भी होता है, लास्ट 6 से 9 ही होता है, बट सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे अपना रूटीन बांध, आते रहो आते रहो, तो कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जिसको आवश्यकता होगी एक्टर की कैरेक्टर के लिए, तो वो आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा। और जब आपको ग्रुप में ज्वाइन करेगा तो उसकी फीस नहीं होगी, उसकी फीस कुछ नहीं होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, वर्कशॉप अलग होती है और थिएटर्स अलग होते हैं। जो थिएटर्स करवाते हैं, जो प्ले करवाते हैं और या गवर्नमेंट ऐड करवाते हैं, उनकी बात अलग होती है, वहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता। अगर आपसे कहें कि वर्कशॉप करवा रहे हैं और इतनी फीस है, और जब आप देखो कि ये कहाँ के हैं, हो सकता है NSD से पास आउट हों या BNA के पास आउट टीचर हों, तो आप उनसे कर सकते हो, उनसे आपको जानकारी थोड़ा बहुत मिलेगी। बट पहले आप ये देख लीजिए कि ये टीचर कहाँ से है। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यही देखिए कि टीचर कहाँ से अपना शिक्षा कहाँ से उन्होंने ग्रहण की हुई है, पहले आप ये देखिए, फिर उनसे वर्कशॉप करिए। अदरवाइज जब आपसे कहें कि ये प्ले है, ये ग्रुप है, इस टाइमिंग में हम लोग करवा रहे हैं, आप इतनी फीस दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिएगा। वो गवर्नमेंट ऐड हो रहा है और वो प्ले होगा और अच्छा होगा, बट वहाँ पैसा देने की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे पहली बात ये आपने संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में। और यहाँ पे 2-3 ऑडिटोरियम ऐसे इतने बड़े बड़े हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्ले होते हैं आपके, कि आप यहाँ पे आओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। अगर आप सुबह आए तो शाम तक कोई ना कोई प्ले तो आपको मिल ही जाएगा। और इस समय COVID-19 चल रहा है,
इस वजह से अभी तो सब कुछ आपको ही मालूम है कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पर अभी गवर्नमेंट कह रही है कि थोड़ा थोड़ा करते जाइए। 100 लोगों का मैक्सिमम दिया हुआ है कि आप 100 लोग का आ सकते हैं ऑडिटोरियम के अंदर। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा BNA के बारे में, भारत हिंदू नाट्य अकादमी। ये आपकी गोमती नगर, ये मनोज पांडे चौराहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये वीडियो आप देखिए, मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ आपको, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। इस वीडियो के थ्रू आप वहाँ पर जाइए और जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो क्रिया आपको मिल जाएगी। तो भारत हिंदू नाट्य अकादमी है वहाँ पे, और सबसे खास बात आपको बता दूँ, भारत हिंदू नाट्य अकादमी है जो वो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हर साल, जैसे आपको मालूम ही होगा कि हर साल वहाँ पे फॉर्म डलवाए जाते हैं, लड़के लिए जाते हैं, इंटरव्यू होता है, प्रोसेस होता है उसका पूरा। बट वो तो होता ही होता है, जो लड़के एडमिशन में पास हो जाते, एडमिशन हो जाता है जिनका, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि उन्हीं को पढ़ाते हैं वो, उसके बाद कुछ करते नहीं होंगे। जो 20 या 25 सीट होती हैं उनके बाद वो उन्हीं को पढ़ाते हैं और कुछ बाहर कुछ करते नहीं होंगे, ऐसा आपको लोगों को लग रहा होगा। ऐसा नहीं है, आप भारत हिंदू नाट्य अकादमी में आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बाहरी बच्चे आते हैं उनके लिए भी वो लोग सुविधा रखे हुए हैं कि वो लोग आएँ और करें। यानी कि जुलाई में यहाँ पे वर्कशॉप होती है, जो बाहरी बच्चे आते हैं उनके लिए वर्कशॉप वो करवाते हैं, उसकी फीस हालांकि थोड़ा बहुत लेते हैं वो, उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। और BNA हो गया और NST हो गया, TII हो गया, अच्छे अच्छे स्कूलों से यहाँ पे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आपकी एक महीने की वर्कशॉप होती है। और फॉर्म का तो प्रोसेस आपको मालूम ही होगा कि क्या प्रोसेस है फॉर्म का। फॉर्म आता है आपका 500 का फॉर्म आता है, आप चाहो तो डाल भी सकते हो, वैसे इस साल तो निकल गया, अगले साल आप अगस्त में आता है डाल सकते हो। 500 का आता है और उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आपको ज़रूरी है, अगर आप डाल रहे हो तो उससे पहले जानकारी आप रखो कि फॉर्म डालने से पहले क्या क्या आवश्यकता है, फॉर्म की रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले आपको दो या तीन आपको चाहिए कि आप थिएटर किए हों, प्ले किए हों, और उसका बाकायदे प्रूफ हो आपको। हालांकि सर्टिफिकेट नहीं है, साइन नहीं किया किसी ने कि नहीं इस संस्था से आपने किया हुआ है, उसका साइन ये है, ऐसा कहीं कुछ नहीं मानते वो, ये सब खाली बाहरी वाली बातें हैं कि हाँ ऐसा, आप वो सिर्फ सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैंने 2-3-4 बोले, लेकिन 10 होने चाहिए, कम से कम 10 आप कर लो, आप 10 कर लो, 3-4-5-6 की ऐसी तैयारी कर लो कि बिल्कुल जाओ तो वहाँ पे लगे कि हाँ बंदा करके आया हुआ है, तो उसका आपको पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, पेपर में आपकी फ़ोटो आई हो तो उसका आप फोटो खींच लो और उसका प्रिंट आउट निकला लो आप। तो ये सब करने के बाद आप फॉर्म डाल दो, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो लोग सबसे पहले इंटरव्यू आपको इंडिविजुअल इंटरव्यू लेते हैं, बैठा कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है फिर जो होगा तो बाकायदे आपको थिएटर में खड़ा करके प्ले में आपका जो है देखेंगे कि आप क्या क्या आपने किया है, कौन सा तैयारी करके आए, कितने नाटक पढ़े आपने। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है नाटक, आपने कितने नाटक पढ़े हैं ये भी वो देखते हैं। आप जब अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन कौन से नाटक पढ़ें, जो अच्छे नाटक हों, जो प्रसिद्ध नाटक हों, जो प्रसिद्ध लेखक हों, उनके बारे में बता दीजिए। तो अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको वही चीज़ बता दूँगा, उसके लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कम से कम 10 या 15 प्ले कम से कम आपके पास तैयार होनी चाहिए, उनकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, और जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको रिटर्न में जो है एक स्लिप दी जाएगी, उसमें कम से कम 3 स्क्रिप्ट होंगी, वो याद करना पड़ेगा आपको। ये आपका प्रोसेस एडमिशन का हो गया। चलिए अब आपको ले चलता हूँ मैं जो है तीसरा नंबर है राय उमानाथ बली, ये आपका केसर बाग में है, बहुत ही फेमस थिएटर है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे आप रोज जाएंगे तो रोज आपको प्ले मिलेंगे, प्रतिदिन आपको वहाँ पे प्ले लगा हुआ मिलेगा कि आज इसका है, आज उसका है, आज इनका है, उनका नाम बकायदे, उनका जो है पोस्टर लगा होगा बकायदे, उनका नाम होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं मिल पाता है, तो आप वहाँ पे जाइए, प्ले देखना मत छोड़िए। अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं, मेरी गारंटी है, जो बाहरी बच्चे आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, आउट एरिया से आ रहे हैं, वो सोचे कि हम जाएं रूम ले लें और हमको आज ही तुरंत थिएटर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो आप पैसा खर्चा करिए, तमाम मतलब उड़ा दीजिए पैसा, तो ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वरना अगर आपको मेहनत करनी है, इस लाइन में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आए और दूसरे दिन आपको थिएटर मिल गया, आप एक महीने बाद प्ले कर, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप आइए,
रोज प्ले देखिए, रोज जो सर हैं वहाँ पे, जो डायरेक्टर हैं उनके नाम पुकारे जाएंगे, वहाँ के आर्टिस्ट जो होंगे जिन्होंने प्ले किया होगा, जिन्होंने परफॉर्मेंस की होगी उनका नाम बुलाया जाएगा। जब सब लोग चले जाए, मैं एक आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ जो मैंने किया, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या, कैसे मिलना है, करना क्या आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है कि जब प्ले हो जाए, सब चले जाए, ऑडियंस सब चले गए, आप बैठे हुए, और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस चले जाने के बाद पूरा बंद कर देंगे, ये बहुत अच्छी बात है और सबको नहीं मालूम है, आप लगेगा कि पब्लिक गई तो हम भी जाए, नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ बैठिए, 5 मिनट तक समय दीजिए। जब पब्लिक चली जाती है, ऑडियंस दर्शक चले जाते हैं, तो उसके बाद जो आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, लाइट मैन होता है, प्रॉपर्टीज का जो काम करते हैं और जो स्टेज को डिजाइनर करते हैं, सब वहाँ पे होते हैं। फिर वो सब लोग आपस में बात करते हैं कि भाई कैसा गया है, ये था, इसमें कमी थी, उसमें कमी, वो ऐसी बात कर रहा हूँ वैसे में आप एंट्री मार दीजिए। अब आप वहाँ पे जाइए, हेलो सर, नमस्ते सर, मैं यहाँ से हूँ सर, मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैंने आपका प्ले देखा है, बहुत अच्छा लगा सर, आपका थीम बहुत अच्छा था, आपका मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया, कुछ थोड़ा तारीफ भी कर दीजिए, भाई एक्टर हो आप, थोड़ा डायरेक्टर की थोड़ा उनकी झूठी नहीं, सच कीजिए, जो हो वो कीजिए। उसके बाद उनसे आप जुड़िए, उनका मोबाइल नंबर लीजिए। देखिए इस लाइन में सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूँ, जो नए एक्टर हैं, जो फ्रेशर, जो बनना चाहते हैं, जो अभी उनको ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, उनके बारे में बता रहा हूँ। इस लाइन में सबसे अच्छी बात है कि जो डायरेक्टर होंगे, जो एक्टर होंगे, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये कहने की बात होती है कि यार ऐसा वैसा होता है इस लाइन में, इस लाइन चूतिया बेवकूफ, मैं साफ साफ बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी अकेडमी लोग चला रहे हैं, प्राइवेट चला रहे हैं, भैया 60,000 फीस है, भैया 70,000 फीस है, वहाँ पे 101% आपको चूतिया ही बनाया जाएगा। संगीत नाट अकेडमी है, भारतेंदु नाट अकेडमी है, या आपका बलि है, यहाँ पे भाई साहब बेवकूफ बनाने वाले नहीं मिलेंगे, यहाँ पे प्रेमी मिलेंगे। जैसे आप प्रेमी हो ना, वैसे वो प्रेमी है, आप उनसे मिलिए, जुड़िए। सर अगर अगला कोई प्ले आप शुरू करें तो सर बिल्कुल मुझे जोड़िएगा, हाँ बिल्कुल, उनका नंबर लीजिए, उनके ग्रुप में जुड़िए। और आप ग्रुप में जुड़ गए, अब आप 4 दिन गए, 5वें दिन आपको लगा कि यार हमको तो यार कोई ये कैरेक्टर ही नहीं दे रहे, बस कह रहे हैं कि बैठो यहाँ पे देखो, और ये किसी को पानी पिला दो या किसी को कुछ कर, बेटा ले चाय ले आओ, बेटा ये ले आओ, आपको लगा रहे यार ये क्या करवा रहे, मैं तो क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये आप कभी मत करिएगा, इसको कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी घातक चीज है एक कलाकार के लिए। जब आपने ये सोच लिया कि मुझसे ये चाय मंगवा रहे, पानी मंगवा रहे, भाई हम तो ये नहीं करेंगे, और अगर आपको कैरेक्टर भी दे रहे हैं तो बहुत ही घटिया कैरेक्टर दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं कि पीछे खड़ा कर दे रहे हैं, एक तस्वीर लगा के, फोटो लगा दिया, कोई मरा हुआ इंसान खड़ा कर दिया कि भैया आप यहाँ पे खड़ा रहिएगा, आप सोचो यार क्या करवा रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं। ये कभी मत करिए, जो मिल जाए उसको ग्रहण कीजिएगा। और दूसरी बात, चाय लाने में भी एक कलाकारी होती है, आप चाय जब लाओगे ना, वहाँ से चाय सबको पिलाओगे तो भी एक कैरेक्टर आप वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। कभी आपको अगर मौका मिल जाए चाय वाले का तो आप कर सकते हो। तो आप ये मत समझिएगा कि नहीं हमसे ये करवा रहे, भैया आप ग्रुप में तो जुड़ो, रोज आप जा रहे हो, 5,000 का आपका रूम का रेंट है, आप जो है खाना पीना मिला के आपका 7 या 8,000 पड़ रहा है, फैमिली वाले कह रहे बेटा कब तक देना पड़ेगा आपको 8,000, आपने कह दिया पिताजी 1 साल या 2 साल 3 साल तक, भाई इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अब तो भैया पिताजी आसरा लगाए आपसे बैठे हुए हैं कि बच्चा हमारा जा रहा है, अब तुम आए, अब तुमसे चाय मंगवा रहे, तुम यही सोचोगे यार कि पिताजी से कहें कि साल भर में हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और यहाँ पे साला हम चाय ढो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि हम लोग चाय ढो रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं साला, ये तो हमारे लेवल का काम नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं सीरियसली आपको कहूँ, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी ग्रुप में कहे कि आप बैकग्राउंड काम करेंगे सर, आपको प्रॉपर्टीज का काम करना है, आपको प्रॉपर्टीज यहाँ से वहाँ उठा के यहाँ पर रखना है, जब आपका फेड आउट होती है यहाँ से सामान उठा के वहाँ रखना है, ऐसा करना, ये सब आपका जानकारी है, ये आपके थिएटर के लिए जानकारी है। ये मैं नए एक्टरों के लिए बता रहा हूँ, उनको बिल्कुल लगता होगा खाली एक्टर बस मैं एक्टिंग करूँगा, ये भूल होती है, ये हम लोगों की भूल होती है। ये मैं आपको बता दूँ, मैं इतने साल से थिएटर में नहीं हूँ, ना मैं कर रहा हूँ ना भी कुछ, ना कोई वेब सीरीज की ना कुछ की, लेकिन हाँ अपनी एक शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ, अभी इसी चैनल बना रहा हूँ तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। बट मैं ये मैं पछता रहा हूँ आज, मैंने एक आपको एक बता दूँ कि मैं एक अच्छी एकेडमी है, मैं उसका भी नाम बताऊँगा, मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया, जब उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा आप बोले एक्टर हो, हमने कहा एक्टर, बोले आप थिएटर करते हैं, हमने कहा थिएटर करते, तो बोले कितने प्ले किए, हमने कहा सर 5-6 किए, तो बोले स्टेज डिजाइन के बारे में क्या जानते हैं, भैया हम खड़े होकर सन्नाटा में दिमाग,
आप हमसे प्ले के बारे में पूछो, जो हमने किया उसके बारे में पूछो। अब उन्होंने कहा पूछ लिया, अब हमको तो उल्टा सीट लगेगा ही ना। बोले अच्छा ये बताओ कहाँ पे काउंटर होता है, कहाँ पे कॉर्नर होता है, कहाँ पे लाइट का स्पॉट, मतलब कैसे डिजाइन किया जाता है स्टेज को, कैसे प्रॉपर्टीज का काम होता है वहाँ पे, कैसे क्या होता है, ये सब सवाल पूछ रहे। वो आई नहीं रहे मेरे उसमें। मैं एक्टर हूँ, मैं प्ले करके आया हूँ, जो जो रोल किए हैं मैंने, जो करेक्टर्स किए हैं वहाँ पे, वो मुझसे संबंधित सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये मेरी भूल थी, ये मैं उसको हल्के में ले रहा था। हम लोग ऑडिटोरियम में जाते थे, करते क्या थे, ऑडिटोरियम में गए, अब भैया बैठ गए इसे, भैया डिजाइन हो रही है, उधर लाइटमैन भाग रहा है, उधर प्रॉपर्टीज का काम हो रहा है, उधर सब होने दो, हमको क्या, हम तो एक्टर क्या, हम तो भैया करेक्टर लिए हैं, अच्छा हमने अपना उसी में हम मस्त लगे हुए, ध्यान ही नहीं दे रहे कहाँ क्या है। अब जो सवाल मेरा इंटरव्यू में हो रहा है, मेरा सवाल ये हो रहा, तो ये देखो हो ना, मेरे पास जानकारी नहीं थी, मैं कुछ बोल नहीं पाया। अगर आप वहां पे जाके देखेंगे लाइटमैन काम कैसे करता है, प्रॉपर्टीज वाला जो होता है वो काम कैसे करता है, कॉस्ट्यूम वाला काम कैसे करता है, प्रॉप्स वाला काम कैसे करता है, ये सब मिलजुल के ये टीम वर्क जो करते हैं कैसे करते हैं, इस स्टेज के इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंटर को क्या बोला जाता है, ये सब जब जानकारी आप अपने अंदर, ये फर्स्ट काम होता है एक्टर, ये हम लोगों की भूल होती है कि हम लोग जाते जुड़ जाते हैं, बस भैया हमको करेक्टर दो, करेक्टर ही मारेंगे, करेक्टर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम तो महान एक्टर हैं, ये हम लोगों की भूल होती है। हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सबसे पहले ये जानकारी लानी चाहिए कि यहाँ पे कैसा क्या स्टेज में होता है। तो ये मैंने आपको बलि के बारे में बता दिया कि बलि में क्या क्या है, कैसे आप जाएंगे, कैसे लोग आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे गारंटी, ये मैं इसकी आपको बिल्कुल आई एम श्योर कि आपको लोग मिलेंगे और अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले। हाँ संगीत इसके ऐसे नहीं के बारे में बता दूंगा आपको, संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में कि यहाँ पे दो तीन ऑडिटोरियम है और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे आते हैं, बड़े दूर से आते हैं, बॉम्बे से प्ले लगा हुआ है, कहीं महाराष्ट्र से प्ले लगा हुआ है, कहीं दिल्ली से प्ले लगा हुआ है, कहीं गुजरात से प्ले लगा हुआ है, कहीं कहीं से प्ले, एक से एक महान एक्टर वो आपसे मिलेंगे। और यहाँ के जो लखनऊ के जो माने हुए एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनके भी नाम आपको आगे बता दूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा देखिए समय तो है नहीं। अगर आप कुछ मैसेज करके बताएंगे कि सर आप अगर इंटरेस्टेड होंगे कि सर थोड़ा और जानकारी दीजिए थिएटर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, कहाँ से क्या होता है, कैसे डायरेक्टर मतलब, और या कुछ प्रैक्टिस के बारे में बताएं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे। देखिए थिएटर में ऐसा नहीं है कोविड 19 में आप घर में बैठे हो, अब हम लखनऊ आएंगे, हम दिल्ली आएंगे, हम बॉम्बे आएंगे तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं, ये आपकी भूल है। आप घर में भी इसको कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो, और सेल्फ में जो मजा होता है ना वो बाहर नहीं होता, आप सेल्फ में जितना अच्छा कर सकते हो बाहर नहीं कर सकते। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि सर और थोड़ा सा बता दीजिए कैसे क्या होगा, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, समय लेकर बिल्कुल बताऊंगा। तो ये आपके चनों के अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप आए लोगों से मिले, जरूरी नहीं है कि आप वो लोग जानते ही हो कि भैया ये हमको जानता है तभी हमें काम मिलेगा, तभी हमें प्ले मिलेगा, नहीं। और शुरुआत होती है छोटे से भाई साहब, ये मैं आपको बताऊंगा, ये नए एक्टरों के लिए भूल है कि हमको ये करेक्टर चाहिए और ये नहीं दे रहे तो हटाओ भैया हम नहीं करेंगे, ये आपकी भूल है। शुरुआत आपकी जो होगी वो छोटे से होगी, जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी दम, आपका पूता, आपका जब जिगर, जब डायरेक्टर सामने बैठ के देखेगा, ऑडियंस जब आपके लिए ताली बजाएगी, वो छोटे से डायलॉग के लिए, चार लाइन का डायलॉग है सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 10 सेकेंड में आप बोलकर आपको स्टेज से जाना, अगर उस डायलॉग में ताली बज रही है तो आप में दम है, आप में जिगर है कि आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हो, फिर आपको भाई साहब कहना नहीं पड़ेगा कि सर मुझको ये करेक्टर दीजिए, ये करेक्टर दीजिए, फिर आपके लिए आपको अच्छा करेक्टर डायरेक्टर खुद डायरेक्टर ढूंढ के लाएगा और देगा कि भैया आप ये करो, और एक रुपये नहीं देना पड़ेगा, एक रुपये भी नहीं लगेगा कि आप सोचो कि पैसा दें फिर उसका वर्कशॉप अलग है, मैंने बताया आपको वर्कशॉप अलग है, और थिएटर्स जो गवर्नमेंट ऐड होते हैं वो अलग, उनमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरी जानकारी जो थी, थोड़ा बहुत लखनऊ में मैं रहता हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझको रहते हुए, मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कस्बे से आते हैं, छोटे छोटे शहर से आते हैं, किसी को जानते नहीं, बट सपना सजाए बैठे हुए हैं कि भैया एक्टर बने, थिएटर कर लिए। भाई बहुत से लोग तो थिएटर के बारे में नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते थिएटर क्या है, वो तो सीधा कहते हैं ऑडिशन दो, अपना ऑडिशन पास करो और लो अपना वेब सीरीज या शॉर्ट मूवी या मूवियों में काम करो, उनको थिएटर से नहीं, मुझे ऐसे बंदे मिले, मैंने कहा भैया आप थिएटर कर दो, थिएटर क्या होता है, वो ऐसे बोलते थिएटर क्या होता है,
भैया थिएटर बताइए थोड़ा जानकारी बताइए। एक्टिंग लाइन में अभिनय लाइन में वो अभिनय करने आ रहे, बट उनको ये नहीं पता थिएटर क्या होता है। थिएटर आप एक तरह से केंद्र कह दीजिए, आप उसको थिएटर अभिनय का जान कह दीजिए, जान अभिनय की जान है थिएटर। थिएटर आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है, आपको बताता है, आपका चेहरा दिखाता है, आपकी औकात दिखाता है, जो आप कैमरा के सामने 30 सेकंड के टिकटॉक या ऐसे छोटे मोटे, मुझे नाम भी नहीं पता आप, क्योंकि मैं उसमें रहता भी नहीं हूँ, तो जो आप सोचते कि आपको लाइक्स मिल के, नहीं, थिएटर आपको असली में आपकी औकात दिखाए कि तू ये है, देख तू इतने पानी में है और इतने पानी में है, अब तुझे इतने पानी में पहुँचना है। तो जब वहाँ तक तुम्हारी जो जर्नी होगी ना, जब आप बनोगे तो आप जब कैमरा के सामने आओगे तो कैमरा आपको बच्चा लगेगा। जब आप थिएटर 4-5 साल तब्दील होकर शिद्दत के साथ जब कर लेंगे ना, तब आपको कैमरा बच्चा लगेगा, आपको लगेगा क्या है यार, व्हाट इज दिस, आई कैन डू एवरीथिंग। जब आप थिएटर कर लेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा अंदर से। अदरवाइज तो भैया आपको बता दें 100% लोग कर रहे हैं एक्टिंग, कर रहे हैं एक्टिंग, कर रहे हैं एक्टिंग में जो तब्दील होना चाहते हैं वो मात्र आपको बताते 10% लोग हैं जो सिर्फ एक्टिंग में तब्दील होना चाहते हैं। 90% लोग शॉर्टकट पकड़ के सीधा मुंबई पहुंच के सीधा फेमस होना चाहते हैं, 90% लोग। और 10% ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्लेस पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। लखनऊ में जितने बड़े बड़े योद्धा जो हुए, जैसे राजबिसारिया सर का नाम मैं ले लूँ, ये मैं छोटा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। वो भरतेंदु नाट अकादमी के संस्थापक हैं, उन्होंने स्थापना की उसकी, भरतेंदु नाट अकादमी का नाम उन्होंने खुद भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के इंस्पायर होकर वहाँ से उन्होंने उसका नाम रखा, उसके बाद उन्होंने उसकी स्थापना की। वो जैसे दिग्गज कलाकार यहाँ पे हैं, जिनसे अनुपम खेर, ओम पुरी, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज कलाकार सीख गए, वो हस्ती इस लखनऊ में रहती है, सिखाती है, करती है। बस लोगों का मानना है कि यार मुंबई चलो, दिल्ली चलो, वहीं चल के करते, लखनऊ में तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं भाई साहब, लखनऊ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा, बशर्ते आप चाहते हो तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप लोगों से मिलिए और बस जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, फिर आप देखिएगा आपको मजा कैसा आता है। तो धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। और बट हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, सबकी रिक्वायर्ड होती है भाई कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो भाई कर दीजिएगा।